सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्काइलर एक्सट्रीम। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पैडॉक स्टैंड की, जो मैंने मंगाया था। वेल, मैं काफ़ी लंबे टाइम से पैडॉक स्टैंड देख रहा था, लेकिन जो मेरे मतलब क्या कहूँ, क्वालिटी वाइज बहुत वो हो रही थी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कौन सी क्वालिटी वाली देखूँ। मैंने देखा तो ऑनलाइन 1800 से 2500 वाले भी अवेलेबल हैं, बट उनकी क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी लगी कि जैसे कॉम्प्रोमाइज हो। मेरी बाइक थोड़ी सी हैवी है, तो मेरे को लगा कहीं वो संभाल पाए ना पाए। तो मैं ग्रैंड पिट स्टॉप का देख रहा था, और उसकी मेरे को कई सारे मॉडल्स दिखे। एक 2000 वाला भी था जो ग्रीन कलर में अवेलेबल था। मेरे को स्पेसिफिक ग्रीन कलर ही चाहिए था, क्योंकि ये अपने बाइक के साथ मैच करेगा। तो मैंने एक और उसका दूसरा मॉडल देखा, और ये मैंने क्यों चूज़ किया और इसकी क्या खासियत है वो मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। उसको सेटअप करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको दूसरे पैडॉक स्टैंड से अलग करती है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मोटरसाइकिल आज अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपने नहीं दूसरों के, अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते। ओके, सबसे पहला तो मैनुअल है, बेसिक्स है मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये हो गया बिल, दो नंबर, एक हैंडल बार, ये दो लेग्स हो गए व्हील के साथ, और एक बॉबिन फॉर्क के लिए सपोर्ट, और दूसरा ठीक है स्विंग आर्म वाला जो रबराइज है। तो चलो इसको हम सेट करते हैं, इसको एक निकाल के। सबसे पहले स्विंग आर्म, एक चीज़ है पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मतलब स्क्रैच वगैरह नहीं लगेंगे कुछ भी हो जाए, और डब्बे में भी आए तो प्लीज चांसेस है कि इसमें स्क्रैचेस नहीं होंगे। वो सब भी आ रहा है, बस देखा अलग हो गया। ये हो गया दूसरा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंड पिट स्टॉप की ब्रांडिंग है, और दूसरा इसका जो व्हील क्वालिटी है काफ़ी मतलब बढ़िया दे रखा है। जो बेसिक 2000 वाले आते हैं उनसे तो काफ़ी बेटर है, और सेम गोज फॉर दिस क्वालिटी। ये आई गेस लेफ्ट साइड का होगा, जी निकालते हैं, और ये अपना बोलन बोल कर चोट लग जाएगी हाथ में, धीरे धीरे खोलो, सीजर ले लो उधर से। ये हो गया आपका अपना बोविन फोर्क जो स्पूल्स को सपोर्ट करता है और बाइक अपलिफ्टिंग में काम करेगा। मैं ये वाला यूज़ करूँगा, दूसरे वाले को भी खोल लेता हूँ बस दिखाने के लिए। ये जो डायरेक्ट जाता है
बाइक के सिंगम है, उसमें स्कूल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट बस बाइक पर लगा सकते हो। ओके फिर इसको सेट करते हैं और आपको डायरेक्ट दिखाते हैं इसको सेट करने के बाद। तो जैसा मैंने बताया था पहले भी, ये डिसमेंट अवेलेबल वो अलग पैडॉक स्टैंड है, इसको असेंबल करना पड़ेगा। तो असेंबली के लिए यहाँ पे ये दो सिंगम्स इसके अंदर आ जाएंगे पैडॉक वाले, और ये सिर्फ एक ये जो दो बोल्ट इन्होंने दे रखे हैं उनसे टाइट करना होगा। तो काम करते हैं इसको लगा, पहले एक को लगाते हैं। तो हमने पैडॉक स्टैंड सेटअप कर लिया और आप देख सकते हो ग्रैंड पिट स्टॉप यहाँ पे मेंशन है, और ये डिसमेंटलेबल है, ये यहाँ से अलग हो जाती है, ये स्क्रू के थ्रू दोनों तरफ से कनेक्टेड है। और इसकी व्हील्स देख सकते हो, इसकी व्हील्स थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की तरफ है, इधर भी और ये वाली भी, मतलब ऑब्वियसली ऐसे है भाई। दूसरा मैं बॉबिन फोर्क वाला वो यूज़ करता हूँ, मेरे को स्पूल्स अपलिफ्ट करना है, और दूसरा ये वाले नॉर्मल वाले भी साथ में देते हैं। तो बढ़िया है, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं जिनके पास स्पूल नहीं है तो आप ये चेंज कर सकते हैं, वो वाला लगा सकते हो। तो इसका सेटअप करने का आपको मैंने दिखाई दिया कि मैंने वो कैसे इसको माउंट किया। और दूसरा आप देख सकते हो इसका जो बॉबिन फोर्क है, इसका एक साइड मुंह लंबा है और एक तरफ छोटा है। जो लंबा है वो हमेशा आगे की तरफ आएगा, बाइक से ऐसे की तरफ लगेगा, ठीक है। और इसका ये देखो यार क्या स्मूथ है, बहुत ईजीली ग्लाइड इन होता है। मेरे को यही चाहिए था कि किसी दूसरे आदमी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े और ख़ुद से अकेले से बाइक वो पैडॉक स्टैंड पे मैं माउंट कर सकूं। तो इसको चलो आपको चलते नीचे दिखाते हैं अपने बाइक के साथ कैसे जाती है और क्या सच में मतलब इजीली पैडॉक स्टैंड लगाया जा सकता है कि नहीं। आजा पास से दिखा दिए। तो सबसे पहले ये जाएगा इस वाले स्पूल में, इधर है अभी ये वाला स्पूल का, एक इसमें लगा और दूसरा लगेगा इसमें। अब तू उधर उस साइड जाओ। अब मेरे बाइक में तो डायरेक्ट ग्रेविटी दे रखा है, तो मेरे को बस अपवर्ड फोर्स लगाना है और इसमें नीचे डाउनवर्ड। बाइक से दिख रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्ट। दिन ऑफिस को हटाते टाइम तो वही करना है, बहुत आराम से स्मूथ भी हटाना है, इसको पकड़ना है धीरे धीरे धीरे, इसको निकालें बाइक यूज़ किया। तो ये था अपना क्विक अनबॉक्सिंग एंड हाउ टू यूज़ द पैडॉक स्टैंड ऑन एनी बाइक। तो मैं कुछ अपने अकाउंट के साथ नया नया चीज़ भी ट्राई कर रहा हूँ, लाइक जैसे एक अनबॉक्सिंग एंड ये इसका एक छोटा सा वीडियो होता है बना दिया कि कैसे यूज़ करते हैं। तो और भी बहुत कुछ नई चीज़ें मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अब नए नए कंटेंट्स लाने को अपने यूट्यूब चैनल पर, और देखता हूँ आप लोगों को कैसा पसंद करता हूँ। और आपको आने वाले टाइम में आपको हर दो दिन पर ब्लॉग्स देखने वाले हैं। सो आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, और जो लोग नए आते जा रहे हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स का एम टारगेट रखता हूँ इस वीडियो के साथ। तो चलो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में।